हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्प शिल्पा भी द एक्सिबिटिव होम। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे वीकेंड है तो सभी अपने घर में सब अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे ही होंगे। और फिर चलिए जल्दी से हम आज का क्राफ्ट स्टार्ट करते हैं। और आज जैसा कि मतलब आज भी मैं एक टीन के कंटेनर से ही क्राफ्ट बनाने वाली हूँ, जैसा कि मैंने पहले दो एपिसोड में बनाया है। आज इसका थर्ड एपिसोड है। ये भी बहुत सिंपल है, बनाना बहुत आसान है, बट एंड में रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग होपफुली आप सभी को अच्छा लगेगा और एंजॉय भी करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्राफ्ट वीडियो और देखते हैं क्या बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक टीन का प्लांटर लेंगे और चॉक पेंट लूंगी और ब्लैक एक्रेलिक कलर लूंगी। एक्चुअली मेरे पास ब्लैक चॉक पेंट है नहीं और वाइट एक्रेलिक कलर है नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा लाइट शेड का चॉक पेंट लिया और ब्लैक एक्रेलिक कलर लिया और दोनों को मिक्स करके एक ग्रेइश शेड का कलर बनाया। और उस कलर से मैं इस टीन के कंटेनर को अच्छी तरह से पेंट करूंगी कि मुझे थोड़ा ग्रेइश या डार्क शेड में दो पेंट करना था। देन ये पेंट अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद मैं एक मार्कर पेन लूंगी, परमानेंट मार्कर, और उससे मैं कैट का शेप बनाऊंगी। ये ऐसे कैट बैठे मतलब कार्टून शेप का ही कैट बना रही हूँ और बहुत सारे कैट एक साथ में बनाऊंगी। तो आप मार्कर पेन की मदद से ये स्ट्रक्चर सब ड्रॉ कर लीजिए। आप कैट की जगह आपको जो बनाना है आप वो बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह। देन हमने मार्कर पेन से जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे उसको मैं हॉट ग्लू की मदद से लाइन करूँगी। देखिए इस तरह से हॉट ग्लू की तरफ यूज करते हुए मैं सारे आउटलाइन को कवर करूंगी। ये देखिए जब सारे कैट का आउटलाइन मैं कंप्लीट कर दूंगी तो ये ऐसा लगेगा। देन मैं गोल्डन मेटेलिक कलर लूंगी अपने फिंगर्स में और उसकी मदद से जो भी हमने हॉट ग्लू से जो आउटलाइन या बॉर्डर बनाया था उसको मैं कवर करूंगी, उसको मैं थोड़ा सा टचअप करूंगी ताकि थोड़ा गोल्डन टचअप दिखने लगे। देन मैं एक्रेलिक कलर लूंगी और जो हमने ड्राइंग किया था उसके अंदर का स्पेस को मैं फिल करूंगी। मैं ब्राउन कलर, वाइट कलर, देन ऑरेंज कलर, इस कलर के कैट्स को पेंट करूंगी और कुछ को मैं ग्रे ही रख दूंगी। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अब मैं वाइट कलर पेंट कर दूंगी। इसी तरह आपको जिस कलर में चाहिए आप उस कलर में कैट्स को पेंट कर सकते हैं या फिर आपने जो भी डिजाइन बनाया उसको आप अपने चॉइस ऑफ कलर्स में पेंट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह। अब मैं व्हाइट एक्रेलिक कलर लूंगी और आई के पोर्शन को पेंट कर दूंगी इस तरह से। देखिए सभी कैट्स के। देन मैं परमानेंट मार्कर की मदद से आई को कंप्लीट करूंगी, नोज के पोर्शन को बनाऊंगी और उसके जो मुस्टैच होते हैं उनको मैं ड्रॉ करूंगी। इस तरह आप सारे कैट्स के आई, नोज, माउथ और मुस्टैचेस को बना दीजिए, फिर आपका प्लांटर ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। ये देखिए सारे कैट्स कितने क्यूट दिखने लगे ना, जैसे ही आईज बन गए सभी कितने क्यूट से दिखने लगे। इस तरह से हमारा ये प्लांटर कंप्लीट हो गया जिसमें बहुत सारे कैट्स हैं। ये देखिए इस तरह। तो ये हमारा कैट वाला प्लांटर अब रेडी हो गया। इसमें मैंने एक प्लांट भी रख दिया। देखिए कितना कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी ये अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखिए। अच्छा लगा आप सबको मेरा ये प्लांटर? अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताना मत भूलना कि आपको कैसा लगा और आपका ट्राई क्या हुआ प्लांटर कैसा लगा सबको।
और एक बात, अगर आपको मेरे क्राफ्ट आइडियाज और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो और साथ ही वो बेल बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन साथ ही साथ पहुँच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए चलती हूँ, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ, कल फिर मिलूंगी एक नए क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।